सतनमो आदेश गुरु जी के ओम गुरु जी। रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, चैतन्य कानिफनाथ को अलग आदेश। घंटे पिंडे नव निरंतरे संपूर्ण रक्षा करंते श्री संभुजति गुरु गोरक्षनाथ बाल स्वरूप बोलिए। ओम श्रीनाथ जी को आदेश, 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 ओम श्रीनाथ जी को आदेश। शिव गोरक्ष मंत्र, या कहिए शिव गोरक्ष रक्षा मंत्र मैं आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ। एक ही मंत्र है, इसके कई विधान है और बहुत ही काम का मंत्र है ये। मतलब एक मंत्र से जो कहते हैं कि बहुत सारा काम होता है, वैसा ये मंत्र है। गोरक्षनाथ जी नाथ संप्रदाय में जो दूसरे बार जब नाथों की उत्पत्ति हुई तो उसमें जो सबसे अग्रणी नाम है वो गोरक्षनाथ जी का है। तो पहली बार जब नवनाथ आए तो वो दत्तात्रेय जी से उन लोगों ने दीक्षा लिया, तब जो हम लोग बोलते हैं उदयनाथ पार्वती जी को, है ना, आदिनाथ शंकर जी को, तो वो पहले नवनाथ हुए। दूसरे बार जब नवनाथ हुए तो उसमें मच्छेंद्रनाथ गोरक्षनाथ कानिफ बाबा हुए। कानिफनाथ, हम लोग कानिफनाथ के फॉलोअर्स हैं। कानिफनाथ ने अघोरपन दिया था। जो गोरक्षनाथ के फॉलोअर्स हैं वो सात्विक होते हैं। कानिफनाथ के जो पंथ हैं वो, जैसे हम लोग मानते हैं कि सब जितना भी चीज़ है खाने पीने वाला या पृथ्वी पर जो भी चीज़ है जो सामने भोजन के रूप में आ जाता है उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। हम उसमें द्वेष नहीं करते कि ये वेज है, ये नॉन वेज है, ये अच्छा है, ये खराब है, क्योंकि वैसा करने से हम ये मानते हैं कि इससे भगवान की जो सृष्टि की रचना उसमें की है उसमें हम भेदभाव कर रहे हैं। गोरक्षनाथ जी के जो शिष्य हैं, जो औघड़ होते हैं या योगी होते हैं, ये लोग सात्विक होते हैं और धुने पे पूजा करते हैं, जैसे हम लोग स्मशान में करते हैं। ऐसे हमारा भी धुना होता है। अब नाथ कानिफनाथ पंथ में धुना मंदिर अब सब होने लगा है। पहले राजा महाराजाओं की तरह रहते थे, जब मन होता था जहाँ मन होता था वहाँ पूजा करते थे। तो खैर, आज का विषय है गोरक्षनाथ जी। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी अभी महंत है गोरक्षनाथ पीठ के। तो आज जो मैं आपको मंत्र देने जा रहा हूँ ये 12 दिन में सिद्ध होगा। पहले आप ये मंत्र सुन लीजिए। ये मंत्र क्या है, मैं दो बार इसको पढ़ के सुनाऊंगा, तीसरी बार नहीं सुनाऊंगा। ये मेरा सिद्ध मंत्र, तीन बार बोला तो मैं गुरु। तो ये मंत्र है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जस नामे गायत्री अस्मृता सार, अस्मृते हंसराज पार उतारो। गुरु गोरक्षनाथ जी सत की कमड़ी तन पे पाई, सदगुरु हो साहेवा, काल का कष्ट मिटे, नीचे बैठ करो विश्राम, मेरी भी पीड़ मिटे। ओम गुरु गोरक्षनाथ की जय। आदेश 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 आदेश। ये जो मंत्र है ये मैं किसी सज्जन ने YouTube पे कमेंट किया था और मुझे एक WhatsApp मैसेज भी अपने बहुत प्रियजन का आया था कि शिव गोरक्ष का एक मंत्र दीजिए। तो शिव गोरक्ष का ये मंत्र जो है, मंत्र तो बहुत है, एक चार अक्षर का मंत्र जो बहुत मेरा बहुत प्रिय मंत्र है गोरक्ष का, शिव गोरक्ष का। लेकिन ये मंत्र रक्षा की भावना से भी बहुत अच्छा है और हर काम करने के लिए, मतलब इस मंत्र को आप सिद्ध कर लोगे 12 दिन में तो आप पे किसी भी तरह की भलाई नहीं आएंगी, हमेशा रक्षा में रहोगे, घर का माहौल ठीक रहेगा। इसीलिए मैंने सोचा सबके लिए एक मंत्र देता हूँ। फिर से सुन लो मंत्र को। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जस नामे गायत्री अस्मृते सार, अस्मृते हंस राज पार उतारो। गुरु गोरखनाथ जी सत की कमड़ी तन पे पाई, सदगुरु हो साहेवा, काल का कष्ट मिटे, नीचे बैठ करो विश्राम, मेरी भी पीड़ मिटे। ओम गुरु गोरखनाथ की जय। आदेश 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 आदेश। जल्दी में बताता हूँ इसको सिद्ध कैसे करना है। 12 दिन तक 108 बार आपको इसको जाप करना है। शिव गोरक्ष को दूध रोटी की का प्रसाद देना है और उसी प्रसाद को फिर आप ग्रहण करेंगे, साधना रात में करेंगे, और 12वें दिन जब आपका पूरा हो जाएगा तो किसी कुत्ते को आप दूध रोटी का भोग देंगे। इतना करने से ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसी मंत्र का कुछ शब्द उलट फेर या साधना की और कोई विधि या मार्ग आपको कुछ लोग और बताएंगे, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो मेरे गुरु पद्धति में आता है। हर गुरु पद्धति के पहले, क्योंकि मंत्र लिखा नहीं जाता था, वो गुरुओं के द्वारा गुरु को जाता था, तो जो मंत्र मेरे गुरु का सिद्ध है वो हमारे गुरु परिवार में आ रहा है और वो मैंने आपको दिया, और जो मेरी सिद्धि की पद्धति है वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतने। ऐसे हमारे में हम लोग कानिफ नाथ के फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो कानिफ नाथ कहा जाता है, जब नवनाथों को बुलाया गया भोजन पे, तो और सब नवनाथों ने कानिफ शाकाहारी भोजन किया था, हमारे कानिफ बा ने बोला कि नहीं मुझे हर तरह का मांस मदिरा सब चाहिए, तो उनको उनसे सब लोग थोड़ा छिटक गए, लेकिन उन्होंने फिर समझाया कि नहीं, सब जो है उसी शून्य से निकला है, इसीलिए सब बराबर है, आप जो भी खाओ। गोरक्षनाथ जी, मतलब गोरक्षनाथ जी का प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा है, नेपाल तिब्बतन तंत्र पूरा इन पे ही निर्भर करता है। हालांकि तिब्बत के तंत्र में आप देखोगे कि गोरक्षनाथ जी और कानिफनाथ जी को बराबर का महत्व दिया गया है। इनफैक्ट कानिफनाथ जी और उनके गुरु, इन दोनों की पूजा वहाँ ज़्यादा होती है। वहीं पे आप देखोगे कि माँ तारा की भी पूजा होती है। तो गोरक्षनाथ जी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, आपने ये मंत्र कर लिया, मतलब कि आप अब वाम मार्ग के तंत्र के लिए तैयार हो, आप इस मंत्र को करके आगे बढ़ो, तो अघड़ चाहे तो अघड़ रह जाओ या फिर आगे चल के आप जो है जोगी बन जाओ, ये आप पे होता है। लेकिन हमारे मार्ग में सिर्फ अघड़ और अघोरी होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को भूत प्रेत में इंटरेस्ट है तो आप मेरी किताब हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अमेजोन या किसी भी ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो एप्पल के ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें सर्च कीजिए इंस्टॉल करने के बाद रुद्रनाथ, रुद्रनाथ में आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा, उसी में कॉलिंग ऑप्शन आएगा, आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने पहले दे रखा है, आपको बहुत इमरजेंसी हो तो उस पर बात कीजिएगा। आप लोगों को अलग आदेश 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 गोरक्षनाथ जी, आप लोगों को आदेश।